कि मैंने पहले भी बोला और अभी दोबारा बोलता हूँ कि हमें इसकी जड़ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस तरीके का ब्रॉटअप, उनका माइंड इस तरीके से क्लीन करना पड़ेगा कि वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें। सेकंड, हर लड़की मीरा बन सकती है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जहाँ पे लड़की का फेस तो छुपाया जाता है और लड़के के फेस को ढका जाता है, लड़की के फेस को भी ढका जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन लड़कों के फेसेस दिखाने चाहिए, इन्हें समाज में पता चलना चाहिए बदनामी क्या चीज़ होती है। तीसरी बात, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि गर्ल्स को डरना नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो समाज को, पुलिस को, जुडिशरी को और उसके परिवार को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस शॉर्ट फिल्म के अंदर कि लड़की ने क्या बोल्ड स्टेप उठाया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मीरा इस तरीके का स्टेप उठाए। उसको कानून से ही उस चीज़ की सुविधा मिले, कानून से ही उसको सज़ा मिले। दूसरा, हर एक पुलिस ऑफिसर मैं चाहता हूँ मीरा की तरह होना चाहिए, जो हमारी शॉर्ट फिल्म में है। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि सबसे पहली रिपोर्ट वो बनाता है। लड़की का इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाए तो उसको वो डर, उसका वो भय, उसका वो फेयर ना हो कि पता नहीं मेरे से क्या पूछ लेंगे। और सेकंड, जुडिशरी। तो मैं चाहता हूँ मीरा जैसी सब लड़कियाँ बने, बोल्ड स्टेप लें और कहीं ना कहीं इस रेप चीज़ों को डट के लड़ाई करें, इनसे बिल्कुल ना घबराएं। सुनील पिठारे जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, हम इस मूवी को मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट भी इंटरनेशनल लेवल का है, ये कोई डोमेस्टिक सब्जेक्ट नहीं है। और आई होप आप लोगों की, मीडिया की ब्लेसिंग और सब लोगों की ब्लेसिंग से इसको अवार्ड्स मिलेंगे और ये एक अच्छा नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।